हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस बाय वर्ल्ड। जैसा कि मैंने जेंडर प्रिडिक्शन सीरीज़ स्टार्ट की थी और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, लाइकवाइज मैंने सोचा कि एक और सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और जो लोग पहली बार माँ बाप बने हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका नाम है न्यू बॉर्न बेबी केयर सीरीज़, जिसमें आप अपने बच्चे की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखना होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ बताने वाली हूँ। लेकिन एक वीडियो में इस पूरी बात को कवर करना इम्पॉसिबल सी बात है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, वीडियोज़ अलग अलग होंगे, तो आप प्लीज़ इन सारे वीडियोज़ को प्लीज़ देखिएगा और शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो स्किप मत किया करिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जो भी बातें बोलती हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, तो कब कौन सी बात मेरी यूज़फुल निकल जाए, कब कौन सी बात मैं कब बोल दूँ मुझे नहीं पता चलता है। तो अगर आप स्किप करोगे तो मे बी क्या पता ज़रूरी बातें कुछ छूट जाए, इसलिए मैं आपको यही बात बोलूँगी कि एक बार वीडियो को शुरू से लास्ट तक प्लीज़ प्ले होने दीजिए। पढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपके नवजात शिशु के लिए जो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपके बच्चे का क्राई करना, यानी कि बच्चे का खुल कर रोना काफ़ी ज़रूरी है। चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल क्यों ना हो या सी सेक्शन क्यों ना हो, आपके बच्चे का खुल कर रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चे की हेल्दी साइन होती है। उसके बाद जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो बच्चे का थॉरो चेकअप करते हैं कि बच्चे में अदर किसी तरह की कोई डिफेक्ट्स है या नहीं है। लेकिन जो पहली हेल्दी साइन मानी जाती है वो होता है बच्चे का खुलकर रोना। और जब बच्चे की थॉरो एग्जामिनेशन हो जाती है, जब बच्चा आपके रूम में आपके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसके बाद से आप अपने बच्चे का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं, चाहे वो माँ हो, पिता हो, कोई क्यों ना हो, आपके हाथ में आपके पूरे मतलब जर्म्स तो होते ही होते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे को उठाइए तो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए 99% जर्म्स हैं वो सैनिटाइज़र से निकल जाते हैं। और जितना आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ करिएगा, धोइएगा, बच्चे में इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ही कम होगी, क्योंकि नवजात शिशु तुरंत तुरंत जन्म लेके आया है तो उसमें बहुत सारे जर्म्स को वो थोड़ा प्रोन होता है, वो कैच कर सकता है। इसलिए अवॉइड करने के लिए आप सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बच्चा आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, 9 महीने का सुखद एक रिज़ल्ट है कह सकते हैं, और आपके परिवार का नया सदस्य है। तो बहुत लोगों को मन करता है कि बेबी को थोड़ा सा चूम ले, थोड़ा सा किस कर ले, लेकिन प्लीज़ अभी अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि अभी बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनको किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए बस उसे दूर दूर से ही प्यार करिए, किस वगैरह ना करिए। और तीसरी चीज़, जब भी आप अपने बच्चे को गोद में उठाए तो आपको करना क्या है कि आपको बच्चे के गर्दन के पास अपने हाथ का सपोर्ट देना है, क्योंकि देखिए बच्चे का जो ये पोर्शन होता है वो काफ़ी कोमल सा होता है, बच्चा अभी इतना परिपक्व नहीं होता है, उसके बदन बहुत लचीले होते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली बच्चे को होल्ड करना है और आपको ये पोर्शन पे ज़रूर हाथ लगाना है। और उसके बाद आपका जो दूसरा हाथ होना चाहिए वो बच्चे का एक हाथ तो आपके गर्दन के नीचे और एक हाथ बच्चे के मतलब आप समझ सकते हैं कि पैर का हिस्सा जो होता है उसके पास होना चाहिए, कमर का हिस्सा उसके पास होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाए इस तरह से। तो ये एक सही पोजीशन है कि आप अपने बच्चे को कंफर्टेबली उठा पा रहे हैं, क्योंकि जो नए माँ बाप होते हैं उनको अपना जो न्यू बॉर्न बेबी है छोटा सा क्यूट सा, उसको उठाने में ही उनको बहुत ही डर सा लगता है, ऑब्वियसली बात है सबको लगता है पहली बार। तो उस पहले होल्ड कैसे करना है उसको भी अच्छे से देखिए, आप एक दो दिन कर लीजिएगा होल्ड तो फिर आप हैबिचुएटेड हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको यही दो बातों का ख्याल रखना है कि बच्चे की गर्दन के नीचे एक हाथ देना है और आपको उसके बैक के नीचे एक हाथ देना है, ताकि उसको फुल सपोर्ट मिले। और बात रही उसके फीडिंग की, तो सबसे पहले अगर फीडिंग की बात की जाए तो आपको अपने ब्रेस्ट फीडिंग को ही पहले इनिशिएट करना है, चाहे आप उसको एक बूंद पिलाएं, दो बूंद पिलाएं या तीन बूंद पिलाएं, लेकिन आपके बच्चे का पहला आहार माँ का दूध ही होना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में जो पहला गाढ़ा पीलापन लिया हुआ जो दूध होता है वो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
बहुत सारी ऐसी तत्व पाए जाते हैं जिससे कि बच्चे में इम्यूनिटी बढ़े, तो इसलिए आपका दूध स्टार्टिंग में आपको तुरंत से बहुत सारा मिल्क नहीं आएगा, धीरे धीरे करते आएगा। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको पहले बहुत ज़्यादा ही मिल्क आता है, या फिर उनकी सेकेंड डिलीवरी है तो उनको मिल्क आने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग पहली बार माँ बन रही हैं उनको थोड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हैव पेशेंस, हैव फेथ, और आप देखिएगा कि आप धीरे धीरे थोड़ा ही, एक चम्मच दो चम्मच ही सही, बट अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसके बाद आप धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाएंगे। तो फीडिंग से रिलेटेड मैं और भी आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ये अभी इनकम्प्लीट है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की ज़रूर देखिए, वहाँ से मैं फीडिंग की बात स्टार्ट करूँगी। और अभी तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, आपको क्या क्या उसके बाद और करना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।